कौमी और सूबाई असेंबली की तमाम 21 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल। नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी असेंबली की 2 सीटों पर लीगी उम्मीदवारों की फतह। NA 119 लाहौर से अली परवेज मलिक, NA 132 कसूर से रशीद अहमद खान जीत गए। NA 196 कमर शहजाद कोट से PPK खुर्शीद जुनेजू कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 44 डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर के भाई आज़ाद उम्मीदवार फैसल अमीन गंडापुर मंतखब। लिस्बिला में बलूचिस्तान असेंबली की नशस्त, PB 22 पर नून लीग की जीत। 21 हल्के, सैकड़ों उम्मीदवार, लाखों वोटर्स और चैनल सिर्फ एक। ज़िमनी इलेक्शन में भी बोलने, सबसे पहले नतीजे देने की रवायत बरकरार रखी। पंजाब में भी नून लीग का पलड़ा भारी, 10 सूबाई सीटें ले उड़ी। PP 36 से PTI की सीट भी छीन ली। PP 22 तलागंज से नून लीग के फलक शेर अवान और PP 139 शेखपुरा से राना अफजाल और PP 147 लाहौर से मलिक रियाज की जीत। PP 290 डेरा गाजी खान से सरदार अहमद लगारी को फतह। सुनीत हाथ काउंसिल को बड़ी शिकस्त। PP 266 सादिकाबाद से भी जियाला उम्मीदवार मुमताज चांग मुंतखब। भक्कर PP 93 का फॉर्म 47 जारी। नून लीग सरदार सैयद अकबर खान 62,058 वोट लेकर कामयाब। PK 22 बाजौर से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक सेब ने फतह समेटी। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग और भंगड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में नामुंतखब अरकान, कौमी और सूबाई असेंबली को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि नामुंतखब अरकान की जीत आवाम के एतमाद का मंजर है। आवाम को यकीन दिलाते हैं कि उनकी खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। मुआशी बेहतरी और आवामी रिलीफ में इजाफे के साथ आने वाले वक्त में आवामी राय मजीद तब्दील होगी। आलमी मालियाती इदारों, खबरसा इदारों और सर्वेस में मुआशी बेहतरी की पेशगोइयों ने भी आवाम की राय पर मुस्बत असर डाला है। PP 56 जफरवाल से लीगी रहनुमा हसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहमद इकबाल 60,351 वोट लेकर कामयाब रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अवैस कासिम 46,681 वोट हासिल कर सके। अहमद इकबाल की जीत पर कारकुनान का जश्न। ज़िमनी इंतखाब के दौरान मुख्तलिफ स्टेशन पर शदीद बदनज़मी, मारधार, धक्कमपेल। PP 54 नारोवाल में मुस्लिम लीग नून का कारकुन मोहम्मद यूसुफ जावाहक। NA 119 लाहौर रहीम जार खान और दीगर हलकों में भी कारकुनान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हुए। मुतादिद जख्मी, नुस्खे अमन पर 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। फिरोजवाला में भी पोलिंग पुर अमन ना रह सकी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निज़ामपुरा में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ के कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। PTI की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।